सो हे देयर एवरीवन एंड वेलकम टू पोकेमॉन होराइजंस द रिव्यू सीरीज, जहां पर आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सीरीज के एपिसोड नंबर 4 अ वॉस्ट शॉर्ट ट्रेजर को। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टीम राइजिंग गोल्ड टैकलर्स की शिप पर, जहां पर हर कोई इज बिजी इन देयर ओन डेली टास्क। पर फिर सडनली इन सबको इस एयरशिप को पार करना पड़ता है एक बीच पर, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। और लेटर हमें पता चलता है कि इस एयरशिप के कुछ पार्ट्स पर काफी मैसिव गैप्स तैयार हो चुकी है, जिसे ठीक किए बिना वहाँ से निकलना मुश्किल रहेगा। एंड सो फ्रेडी उसके कैप्टन पिकाचो और चार्जार्ड के साथ निकल पड़ता है पासी के एक विलेज में हेल्प लेने के लिए। और फिर यहीं पर हम देखते हैं इस एपिसोड के मेन फोकस पोइकोको को, जो कि चार्जार्ड के साथ चिल कर रहा होता है। पर फिर जब फ्रेडी चार्जार्ड को अपने साथ ले जाता है, तब पोइकोको शिप के अंदर जाते टाइम अपनी गूफी हरकतों की वजह से गिर जाता है सीधा शिप से सी के अंदर। और अब इस प्रॉब्लम के बीच जब सभी बिजी है, तब यहाँ पर ली को हेल्प करने की कोशिश करती है शिप के सभी छोटे पोकेमॉन्स को फीड कर। और यही पर वो नोटिस करती है कि इन सभी के बीच पोइकोको मिसिंग है। एंड सो वो उसे पूरे शिप पर फाइंड करने की कोशिश करती है, बट देन शी फिगर्स आउट कि पोइकोको एक्चुअली शिप के डॉक से सीधा गिर गया है सी के अंदर। और फिर जब ली को शिप के नीचे सी के पास जाती है, तब उसे पोइकोको के फुटप्रिंट्स देखने मिलते हैं, जो कि कहीं दूर जा रहे हैं। और इन फुटप्रिंट्स का पीछा करते करते ली को और स्पिगेटिटो पहुंच जाते एक फॉरेस्ट के अंदर। और इस सब के बीच हमें देखने मिलते हैं रॉय के कुछ ग्लिम्स, जो कि एक्चुअली इसी फॉरेस्ट में कहीं घूम रहा होता है। और फिर सीन कट होता है पोइकोको पर, जो कि भूख लगने की वजह से एक जगह पर इकट्ठी की हुई सभी बेरीज को खा जाता है और फिर इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने लगता है। और फिर सून इनफ रॉय को कहीं दूर से एक डिस्टिंक्ट साउंड या फिर एक सॉन्ग सुनाई देता है, जिसका पीछा करते करते वो एक्चुअली फाइंड कर लेता है पोइकोको को। पर रॉय को सडनली देख कर पोइकोको थोड़ा सा डर जाता है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट फिर रॉय उसका पीछा करता है, जिसके बीच वो दोनों ही फॉल करते हैं क्लिफ से, बट रॉय एक्चुअली सेव्स पोइकोको हियर। और यहीं पर आखिरकार रॉय को देखने मिलती है टीम राइजिंग गोल्ड टैकलर्स की पार्क शिप। और अगर आपको लास्ट एपिसोड याद है, तो उसके एंड में रॉय को एक्चुअली मिला था इसी टीम का एक फ्लैग, जिसे देखते ही वो इस टीम को मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं फ्रेडी को विलेज के अंदर किसी से बात करते हुए, बट फिर सडनली एक दूसरा ही आदमी आकर इन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर देता है और इन्हें बताता है कि फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड पोकेमॉन्स किसी का तो भी पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद वी सी रॉय एंड पोइकोको बॉन्डिंग टुगेदर। और यहाँ पर रॉय पोइकोको को वही गाना गाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो उसके पास आया था। एंड ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं लीको और स्पिगेटिटो को भागते हुए, क्योंकि उन्हें वाइल्ड पोकेमॉन चेस कर रहे होते हैं। बट देन रॉय लीको की आवाज सुनकर उसे बचा लेता है इन वाइल्ड पोकेमॉन से। जिसके बाद हम देखते हैं लीको और रॉय को थोड़ी सी बातें करते हुए, और इसी के बीच रॉय लीको को अपना मिस्टीरियस पोकेबॉल दिखाता है। पर फिर जल्दी ही ये वाइल्ड पोकेमॉन्स इन्हें इंटरप्ट कर देते हैं और पकड़कर ले जाते हैं। जिसके बाद ये रिवील होता है कि ये वाइल्ड पोकेमॉन्स इसीलिए एंग्री है क्योंकि पोइकोको इनका पूरा खाना खा गया है। पर फिर जल्दी ही फ्रेडी उसके पोकेमॉन्स के साथ आकर इस पूरी सिचुएशन को काम डाउन कर देता है। जिसके बाद फिर लीको, रॉय, पोइकोको और स्पिगेटिटो मिलकर इन वाइल्ड पोकेमॉन्स के लिए बेरीज भी कलेक्ट करते हैं। एंड देन रॉय को गुड बाय कहकर लीको, पोइकोको और स्पिगेटिटो वापस चले जाते हैं फ्रेडी के साथ शिप पर। जिसके बाद रात के टाइम पर ली को ये सोचती है कि क्या उसके मिस्टीरियस पेंडेंट का कोई कनेक्शन हो सकता है रॉय के मिस्टीरियस पोकेबॉल के साथ। और यहीं पर सीन कट होता है और हम देखते हैं टीम एक्सप्लोरर्स को, जो कि अभी भी उस पेंडेंट को नहीं भूले हैं एंड वो उसे लेने के लिए निकल चुके हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वॉज अ ओकेश एपिसोड, जो कि स्टोरी वाइज तो अच्छा था, बट अदर फैक्टर्स में ये थोड़ा सा लैकिंग था। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आई थिंक आई वुड गिव दिस एपिसोड अ सॉलिड 2, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी फेयर है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि क्या आपको ये एपिसोड पसंद आया और क्या आप आने वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड है, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड एक्चुअली लुक्स क्वाइट गुड। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।